खरगोन। भगवानपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। 13 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस किए जब्त। अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए आए थे दोनों आरोपी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि चाचरा काबरी रोड पर दो लोगों को संदिग्ध अवस्था में खड़े देख उनकी घेराबंदी कर तलाशी ली गई, तो उनके पास से अवैध हथियार जब्त हुए। गिरफ्तार आरोपियों में जयमल पिता अजीत सिंह निवासी खुरमाबाद चौकी चाचरा और दिनेश पिता नेहरूलाल निवासी पलासनेर थाना हरदा शामिल है। एसपी ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल में बताया कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में इन हथियारों का उपयोग हो सकता था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारे द्वारा इसी संबंध में पूछताछ के लिए हम आरोपियों का रिमांड लिया है और हिकमत अमली से हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की भी आशंका व्यक्त की कि आरोपियों से और भी हथियारों के मामलों का खुलासा हो सकता है। दोनों पर पुलिस ने धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया है। भगवानपुरा थाना प्रभारी हैं वो और हमारे साइबर के प्रभारी हैं, इनकी टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें उनको पता चला था कि कोई व्यक्ति जो है वो हथियार लेने के लिए आएंगे और उनको दूसरे जो हैं वो हथियार इसके देंगे। तो ये जानकारी जब मिली तो इनको फॉलोअप करके राउंडअप किया गया। ये भगवानपुरा थाना का क्षेत्र है चाचरिया काबरी रोड में, जहाँ पे बुलवानिया चापरिया फालिया है, वहाँ पे इन दोनों लोगों को जब पुलिस ने राउंडअप किया और इनकी तलाशी ली तो इनसे करीब 15 पुलिस को फायर आर्म्स जब्त हुए, जिसमें से 13 देशी पिस्टल थी और 2 देशी कट्टे थे और साथ में इनसे 3 जो है जिंदा कारतूस भी पुलिस को प्राप्त हुए। इसमें इन दोनों को किया है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो जयमाल पिता अजीत सिंह सिकलीकर है और दूसरा दिनेश पिता नेहरूमल अपना हरदा निवासी है। और ये जो व्यक्ति आया था हरदा से, इसने पूर्व में भी बताया है कि इसने यहाँ से हथियार खरीदे हैं, तो इसी के संबंध में पुलिस ने दोनों आरोपियों का पीआर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है और भी इसमें हथियारों की जानकारी मिलने की संभावना है। ये इसी की जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने अभी इनका पीआर लिया है और इसके संबंध में हम लोग इनसे जो है हिकमत अमली से पूछताछ कर रहे हैं और ऐसी कोई जानकारी जैसी लगती है तो वो आप लोगों को बताई जाएगी।